आपस में हुई मजाक में कहा सुनी में ही दोस्तों ने कर डाला दोस्त का कत्ल। आज पुलिस ने खुलासा किया है, कासना में शिकायत दर्ज हुई थी गुमशुदगी की। आदित्य सोनी जो कई दिन से गायब थे उनकी हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। दिनांक 6 जुलाई को श्रीमती नीलू सोनी द्वारा अपने बेटे आदित्य सोनी को लेकर थाना कासना पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई। मेरा बेटा दिनांक 5 जुलाई 2020 को अपने चाचा को, जिनकी कोरोना से डेथ हो गई थी, फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली देखने को गया था, अभी तक नहीं लौटा है। उस पर पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही थी। आज श्रीमती नीलू द्वारा एक तहरीर दे करके यह अवगत कराया कि बेटे को उसके ही 3 दोस्तों के साथ उस दिन रात्रि में देखा गया था और मुझे पूरा यकीन है कि उन लोगों ने उसकी हत्या कर दी है। इस पर छानबीन की गई, उसमें आदित्य के दोस्त देव भाटी और उसका भाई गिरफ्तार किया गया। ये दोनों गौर तुल्यम सोसाइटी के जे ब्लॉक में, एक ही टावर में, जे ब्लॉक में ही आदित्य सोनी और इसके मित्र भी रहते थे। उनको अरेस्ट किया गया, उनसे आदित्य सोनी की शेवरलेट गाड़ी, उनके पास जो सामान था, अंगूठी, कड़ा सोने का चेन, मोबाइल फोन, ये सब बरामद हुआ है। अभियुक्तों की गाड़ी ब्रेजा, जिसे शव को ठिकाना लगाना बताया है, वो भी बरामद हुई है। जमालपुर के पास इन्होंने शव को नहाने डालना बताया। अभियुक्तों द्वारा बताया गया है कि छीटाकसी को लेकर के आपस में मजाक होता रहा, फिर बातचीत बढ़ती गई, फिर बात गाली गलौज पे आ गई और उस बात पे इन्होंने उसे डंडे से मार दिया और फिर बाद में गला दबा करके हत्या कर दी और शव को नहर में डाल दिया। थाना बलदेव जनपद मथुरा में एक शव बरामद हुआ था परसों, जिसकी शिनाख्त परिजनों द्वारा कर ली गई है। उसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। एक अभियुक्त सनी शेष रह गया है, उसके लिए गिरफ्तारी है, दबिशें दी जा रही हैं, उसको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया।